मुसलमान हिस्ट्री को दिखाया गया है ज्यादा, तो का रोल काफी सूट कर रहा है इनको। अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय ममन। तो गाइस आज हम गांधी गोडसे का ट्रेलर आया जिसे हम देखेंगे, और देखिए ये ट्रेलर जो है पीवीआर सिनेमास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आया है, सो आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा। और इस मूवी में हमें दीपक अंटानी, चिन्मय मंदलेकर देखने के लिए मिलेंगे, सो बाकी मेरे को इतना पता नहीं कि और कौन कौन है इस मूवी में। और गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी जी हैं, सो देखिए ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने घातक, अजब प्रेम की गजब कहानी और फटा पोस्टर निकला हीरो, पावर और दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था। और गाइस देखिए ये जो मूवीज थी ना इनकी, ये बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी। तो चलिए पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। संतोषी प्रोडक्शन। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। लिटिल यार स्टार्टिंग से गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे एक्टिंग तो अच्छी लग रही है भाई इनकी। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हिस्ट्री को दिखाया गया है ज्यादातर। हमारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो भाई गांधी का रोल काफी सूट कर रहा है इनको। अब चिन्मय मंदलेकर जी को, सॉरी वो दीपक अंटानी। बापूजी बच गए हैं। महात्मा गांधी। मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। लिटरली यार गूज़बम्प्स आ रहे हैं, काफी इंस्पिरेशन होने वाली है मूवी से। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। है महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ। आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। लिटरली यार गूज़बम्प्स आ रहे भाई। ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा ना, काफी इंस्पिरेशन वाला म्यूजिक है। चाहे तो एक दिन में गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। वाह भाई वाह, गोडसे का करेक्टर काफी अच्छे से दिखाया गया है। विजुअल भाई काफी खतरनाक लग रहे हैं इसके। जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। भले ट्रल काफी इंस्पिरेशन वाला यार ट्रलर, बननी भी चाहिए इस तरह कॉन्सेप्ट। इंडिया विल चेंज। वाह यार क्या ट्रेलर था भाई, लिटरली यार मैंने तो इस तरह का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इस तरह की कंसेप्ट में मूवीज बन सकती है। सो अब देखिए ये एक रियल बेस्ट स्टोरी होने वाली है ये मूवी जो गांधी गोडसे है, कि गोडसे ने गांधी जी को किस वजह से मारा था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। सो ये मूवी उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रही है, और हमारी हिस्टोरिकल उन चीज़ों को दिखाया जाएगा इसमें जो उस टाइम में हुआ था। और गाइस अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करूं मैं, तो यार इस ट्रेलर में आप देखिए जो विजुअल दिखाए गए हैं ना, वो लिटरली आपको गूज़बम्प्स दिलाएंगे, और आपको खुद एक रिलाइज होगा जब आप इसके ट्रेलर को देखोगे। तो
आपको ये लगेगा कि यार मैं उस टाइम में चला गया हूँ जब यह सब हुआ था। तो लिटरली यार विजुअल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया वो और भी काम कर देता है भाई। लिटरली म्यूजिक ने तो भाई मेरे को गूज़बम्प्स दिला दिए। सो ट्रेलर अच्छा है, गूज़बम्प्स फील करा रहा है। और ट्रेलर में हमें दीपक अंटानी जो कि गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, और काफ़ी यार अच्छे लग रहे हैं उस रोल में। उनका बोलने का तरीका और चलने का तरीका, मतलब सब कुछ ना उनका यार एक गांधी जी के करेक्टर में खो गया भाई बंदा, ऐसे लग रहा है मेरे को तो। और दूसरी तरफ उनके लीड में गोडसे को दिखाया गया है, तो जिनका नेम है यार चिन्मय मंदलेकर जी हैं, तो भाई लिटरली उनका भी रोल दमदार लग रहा है। और जो उनके डायलॉग डिलीवरी है काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को तो भाई, जिस हिसाब से वो गांधी जी को बोलते हैं। तो लिटरली उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना डायलॉग डिलीवरी का, वो भी ठीक लग रहा है जो इस ट्रेलर में देखा हमने अभी। और गाइस जो इसके डायरेक्टर हैं वो राजकुमार संतोषी जी हैं, तो यार उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ। उनकी ज़्यादातर मूवीज़ में देशभक्ति आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी, और उन्होंने ज़्यादातर मूवीज़ भी यार देशभक्ति वाली की हैं। तो अभी ये मूवी लेके आए हैं, और यार इस तरह के कंसेप्ट में मूवी बनाना तो भाई काफ़ी जिगरे वाली बात होती है, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ में आपको कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी देखने के लिए मिल सकती है। जैसे आप पठान को देख लीजिए, बॉयकॉट किया जा रहा है उसको। और गाइस जो इस ट्रेलर को देखने में मेरे को लाइज हुआ, तो देखिए जो ये ट्रेलर है ये उस कंसेप्ट पे बनाया गया है कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो आपको उन सभी सवालों के जवाब इस मूवी में मिलेंगे, क्योंकि यार इस सवाल का जवाब आपको किताबों में भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या रीज़न था उसके पीछे का शायद वो आपको इस मूवी में मिल जाए, क्योंकि ये मूवी रियल बेस्ड स्टोरी है उसी कंसेप्ट पे। और गाइस मुझे तो ट्रेलर का बेस्ट पार्ट यार वो वाला लगा जब गोडसे गांधी जी को कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र को बचाना है तो तुम्हारा वध करना होगा। और अब उन्होंने ये बात किस सौंदर्य पे कही है ये तो आप सभी को यार मूवी देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि जस्ट अभी ट्रेलर आया है। और फिर तभी गांधी जी का इस पर रिप्लाई आता है कि गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं। तो लिटरली यार भाई मेरे को तो दोनों ट्रेलर में जो दिख रहे हैं दोनों को ठीक दिखाया गया है, तो बाकी तो यार मूवी देखने पर पता चलेगा कि कौन सही कौन गलत है। और गाइस इतिहास के पन्ने आज भी हमें मजबूर कर देते हैं यह सोचने पे कि यार इन दोनों में कौन सही था और कौन गलत, जो कि हमें यह मूवी देखने पर ही पता चलेगा। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि इस तरह की इनसाइड स्टोरी से हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं जो किताबों में भी नहीं होते। और गाइस जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है इस ट्रेलर को ना जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के मूवी का कंसेप्ट भाई काफ़ी दमदार होता है, क्योंकि रियल बेस्ड स्टोरी है ये। और इस ट्रेलर के बारे में अपने ओपिनियन हमें जरूर बताएं कि आप सभी को ये ट्रेलर कैसा लगा। सो एनीवेज गाइस, अगर आप सभी यार चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's not a game, it's a rage game.